देखिए ऐसे बैरूपिया बाबा इस देश में बहुत सारे हैं, और ऐसे पाखंडी और बैरूपिया बाबा जो कि धर्म के नहीं है, ना उनको धार्मिक आस्था से कोई लेना देना है। ये ऐसे बाबा हैं जो क्रिमिनल्स थे अपने टाइम पर, और कहीं कहीं से भाग करके इन्होंने अपनी जान बचाई पुलिस से भाग करके, और आज इनकी पोल खुल रही है, महिलाओं के साथ इन्होंने बदतमीजियाँ की हैं। और इनका नाम लिया, जिनका स्पेसिफिकली आपने नाम लिया, ठाकुर देवकी नंदन जो ये बाबा है, ये ठाकुर उर्फ शर्मा, अभी पोल खुली है कि ये तो शर्मा जी हैं, और वहाँ ठाकुर बाबा बन करके वहाँ बैठे हुए हैं, लोगों को छल रहे हैं। हमारे देश का बहुमत, इस देश में अध्यात्म और आस्था की एक बहुत मान्यता है, और जो हमारा हमारा गरीब तबका है, जो हमारा गरीब तबका इस देश का, जो मेहनत करता है, जो रोजगार में मेहनत करता है, जो दिन रात मेहनत करता है, उसको ये सरकारें, जो इस देश की सरकारों को चाहिए था, उनको सोशल सिक्योरिटी देते, उन तमाम लोगों को यहाँ पर रोजगार देते, रोजगार की गारंटी देते, शिक्षा की गारंटी देते, और जब वो नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य की गारंटी देते, तो वो इन जैसे पाखंडी बाबाओं के लिए बीच में जाएंगे, जब उनको तकलीफ होगी तो उनको एक मानसिक रूप से कोई फौरी रूप से कोई उनको वो मिले, शांति मिले, इसलिए इन बाबाओं के पास भक्ति भाव में जाते हैं, और ये उनकी उन भावनाओं को छल कपट करके उनको बेवकूफ़ बना के रातों रात हजारों करोड़ के मालिक कैसे हो जाते हैं, इतनी सारी रासलीलाओं में ये कैसे हो जाते हैं बिना मेहनत करे। और जहाँ तक इस देवकी नंदन बाबा जी का सवाल है, जो SC ST एक्ट के ऊपर ये अपना SC ST एक्ट के ऊपर ये अपना विरोध कर रहे हैं और आज आकर के खड़े हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, देश को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जबकि ये बाबा इनका काम है कि उस समाज को बनाना, अखंड करना। और ये दुख की बात ये है कि इन बाबाओं के जो चंगुल में हमारे देश का सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति का जो गरीब तबका है, माइनॉरिटीज़ का, वो इनके चंगुल में फंसता है, वही जाता है, वही इनके चढ़ावे चढ़ाता है, और वही इनको धन संपत्ति देता है और उनके ताकत देता है, और ये अपनी औकात भूल गए कि इनके खाली जो बाबा हैं, ये इनके अपने लोग, सामान्य वर्ग के लोग 2% 3% भी नहीं जाते। मेरी अपील थी, हमने अपील की इसके जो SC ST एक्ट का विरोध इन्होंने किया, उसके बाद हमने अपील की अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोगों से कि इस देवकी नंदन के, इस बैरूपीय बाबा के एक भी सत्संग में, कथाओं में जाना बिल्कुल छोड़ दें, इसकी अपने आप औकात पता चल जाएगी, इसकी अपने आप कमर टूट जाएगी, क्योंकि पैसा हमारा है, हमारे बहुमत लोग जाते हैं इनके मंदिरों में, इनके सत्संगों में। हमने कहा कि इनके मंदिरों में जाना छोड़ो, इनके सत्संगों में जाना छोड़ो, इनकी अपनी आप अपनी हैसियत पता चल जाएगी कितने पानी में है। और दूसरी बात ये, सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसे जो बाबा जो किसी एक समुदाय या एक धर्म के विरुद्ध अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई संगठन हो, कोई बाबा हो, उनको तुरंत राष्ट्र विरोधी करके, इस देश का संविधान विरोधी बता करके तुरंत उनको जेलों में डाला जाए, क्योंकि जो ये संविधान है हमारा, ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, और इसमें जो आर्टिकल 13 में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि इस देश से अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता पूरी तरह ख़त्म की जाती है, उसके बाद धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर इस तरह का कोई भी स्टैंड लेता है, बखेड़ा खड़ा करता है बाबा या कोई नेता, तो उसके विरुद्ध ऐसा होना चाहिए। आप, हमने मांग की है कि भाई देखो, इस देश में जो 100% में से 49.5% जो रिजर्वेशन है खाली, और जो 50.5% रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन है 15% लोगों के लिए। अब हम, अगर आपको आर्थिक रूप से चाहिए भैया, तो अपना रिजर्वेशन छोड़ो, जो 50% जो रिजर्वेशन है, अघोषित रिजर्वेशन जो जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें आपने जनरल लोगों को, गरीब लोगों को दे दो, दो कुर्बानियाँ। वहाँ मंत्री संतरी तो आप मालदार बनोगे, वहाँ पर जा करके आप एडमिनिस्ट्रेशन में IAS IPS तो मालदार ऊंची जातियों के बनोगे, और वहाँ पर जो भी संगठनों के नेता बनोगे मालदार, तो जो गरीब वहाँ के, जो सुदामा गरीब हैं, उनको कौन देखेगा? अगर महाभारत में भी देखो, अगर उस महाभारत काल में भी अगर कृष्ण ना होते तो सुदामा भूखे मर जाते। अगर कृष्ण जो OBC के नेता थे, जो OBC के राजा हैं, उन्होंने सुदामा को मालदार किया, तो उस समय इनकी जाति कहाँ चली गई? उस समय इनकी एकता कहाँ चली गई? आज जो कमज़ोर वर्ग है, जिसको संविधान ने 5000 साल से जो इनका ये शोषण कर रहे थे ब्राह्मण ऊंची जातियों के लोग, उनको एक शिक्षा में, एम्प्लॉयमेंट में, उस कमज़ोर तबके को कुछ रिजर्वेशन दे दिया, तो आज तकलीफ़ हो रही है आपको, आज इस बात की तकलीफ हो रही है। और जब मर गए थे 1979 से, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने SC ST एक्ट बनाया, तब से चला आ रहा है, और आज आप इसका विरोध कर रहे हो, क्योंकि BJP ने इसको गिराया वहाँ पर, लोग सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ प्रॉपर इनका एक स्टेटमेंट है, वहाँ पर इन्होंने अपना एफिडेविट फाइल करके विरोध किया, और इन्होंने कुछ किया नहीं है। 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद, जब ये पूरा देश में अनुसूचित जाति जनजाति निकल गए, भारी विरोध हो गया,
तो इसको देख करके इन्होंने प्रेशर में उसको मूल रूप में उसी रूप में इन्होंने रीइंस्टेट किया है, ना कि उसमें कोई और चीज़ें ऐड की हैं। तो भैया आप उनका शोषण करना बंद कर दो, उस अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जाति के नाम से उनको अपमानित करना छोड़ दो, उनको आप रोजगार दे दो, ज़मीनें बांट दो, उनको बराबरी पे ले आओ, हम एससी एसटी एक्ट छोड़ देंगे। आप उधर तो अपमान करोगे, उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दोगे, वो मूछ रखेंगे तो मूछें उनकी उखाड़ दोगे। कल एक कल ही दिखा रहे थे एक उस पर आ रहा है सोशल मीडिया पर कि एक अनुसूचित जाति के आदमी ने पगड़ी पहन ली तो उसकी पूरी खाल, सर की खाल पूरी उतार दी है उन्होंने स्वर्ण जातियों के लोगों ने। अरे भैया एससी एसटी एक्ट नहीं होगा तो तुम जीने नहीं दोगे, एससी एसटी एक्ट नहीं होगा तो रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाएगा। एससी एसटी एक्ट हमें चाहिए, ये हमारा संविधानिक अधिकार है और इन बाबाओं की हम खिलाफत करते हैं और अपील करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कि इन बाबाओं के सत्संगों में, इनके मठों में, इनके मंदिरों में बिल्कुल जाना बहिष्कार कर दो और अपने इनका अपने आप कमर टूट जाएगी आर्थिक रूप से। ज्ञानी, जैसे कि सोशल मीडिया की बात की जाए तो वसुंधरा राजे के साथ में, शिवराज पाटिल शिवराज सिंह के साथ में, इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सामने, सभी उसके सामने नतमस्तक खड़े होते हुए दिखाई दिए, तो क्या ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का एक प्रोडक्ट है देवकीनंदन बाबा? देखिए देव, हाँ बिल्कुल, ये उनका प्रोडक्ट है, इन्होंने इसको आगे लेकर के आए हैं। मेन बात है उनके तमाम लीडरशिप के टच में थे और आज जब एससी एसटी एक्ट इनको, इस सरकार को मजबूरी बस 2 अप्रैल का जो व्यापक आंदोलन हुआ उसके प्रेशर में उसको दोबारा इनको लाना पड़ा, उसके बाद इनको ये अंदर से तो झल्लाए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये लाना थोड़ी चाहते थे। अगर 2 अप्रैल नहीं होता तो किसी हालत में नहीं लेकर के आते, और लेकर के आए तो इन्होंने दूसरी तरफ से ये बाबा, ये अपने उकसा दिए, ये भैरूपीय बाबा, इनको अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है कि किस तरीके से आप गरीब मजदूरों का आप अधिकार मार रहे हो, किस तरह से आप छोड़ दो ना, आप जाति का नाम लेना छोड़ दो, आप अपने आगे नाम के आगे से ठाकुर और शर्मा और वर्मा लगाना हटा दो, छोड़ दो, प्रतिबंधित कर दो उसको, अपने आप खत्म हो जाएगा एससी एसटी एक्ट। तुम तो ठाकुर बने घूमोगे, शर्मा बने घूमोगे, और जो गरीब है जिसको तुम अपमानित करते हो, जिसको तुम गांव-गांव में अपमान रोजगार नहीं देते, उसका मेहनताना मारते हो, उनकी बहन बेटियों के साथ अपमान करते हो, वो एससी एसटी एक ताकत मिली है तो उसको भी खत्म कर दो। आप अपमान करना छोड़ दो, उनका मेहनताना पूरा देना शुरू कर दो, आप उनको सम्मान देना शुरू कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमारा कहना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवकीनंदन ठाकुर ने घोषणा की है कि अगर 2 महीने के अंदर एससी एसटी एक्ट को समाप्त नहीं किया गया तो इस समाज के, मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मंदिरों से बहिष्कृत किया जाएगा, तो जो लोग मंदिरों में जाते हैं क्या उनको भी कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं स्वागत करता हूं इनका, अगर ये पूरे राष्ट्र स्तर पे अगर ये कह दें अनुसूचित जाति जनजाति का बहिष्कार है, मंदिर में आना मना है, बिल्कुल नहीं आएंगे, ये अगर कह दें तो इतनी अच्छी हमारे ऊपर एक उपकार होगा, क्योंकि मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये इसका बहिष्कार करें, इससे पहले आप बहिष्कार कर दो कि इन हिंदुओं के इन मंदिरों में जाने का हम बहिष्कार करते हैं, इनके मठों में, इन बाबाओं के मठों में हम जाना, इनके सत्संगों में जाने का बहिष्कार करते हैं, ये घुटनों पे आ जाएंगे। जो हजारों करोड़ रुपया डेली आता है इन मंदिरों में, वो हमारा पैसा है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब आदमियों का पैसा है, जो वहाँ के चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, घी दूध चढ़ाते हैं, और ये मुस्टंडे उसी को इस्तेमाल करते हैं, भगवान थोड़ी को खा रहा है, उस पैसे को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। समझना चाहिए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के, हमारे लोगों को, महिलाओं को खास तौर पे, कि अगर आपको भक्ति करनी है अपने घरों में करो, या आपको भक्ति करनी है तो हमारे जाति का, तो वाल्मीकि जी, रविदास जी के दुनिया भर के मंदिर हैं उनमें जाके करो, जिससे कि आपकी बौद्ध मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं उनमें जाके करो, जिससे कि आपका जो धन संपत्ति आ रही है वो समाज के ऊपर खर्चा हो, जो कि ये मुस्टंडे खा भी रहे उस पैसे से हमारे खिलाफ विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। 80% लोग हमारे जाते हैं इन मंदिर मस्जिदों में, तो मंदिर मस्जिदों का बहिष्कार करो, ये क्या बहिष्कार करेंगे, हम अपील करते हैं कि अब हम बहिष्कार करते हैं इनके मंदिर मस्जिदों का।